क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का स्टेटमेंट अच्छे से देखो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। इफिशियंसी यहाँ पे करनो इंजन 1/6 दिया हुआ है, इसी इफिशियंसी को लिख सकता हूँ 1-T2/T1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सबको पता है कि ये सबसे सिंपलेस्ट इंजन होता है, ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट इंजन होता है ये वर्क डन। ये सोर्स होता है जो इस टेम्परेचर T1 पे होता है, इसमें हीट Q1 होता है, ये सिंक होता है जो टेम्परेचर T2 और सोर्स Q2, सबसे बेकार वाली हीट इधर चली जाती है, यहाँ से कुछ हीट आती है, कुछ इधर चली जाती है, कुछ वर्क डन हो जाता है, ठीक है। वर्क डन Q1-Q2 जो हम सब लोग पहले से पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बेहतर तरीके से हम इसका टेम्परेचर 62 कम कर दिए, अगर मैं इस सिंक का टेम्परेचर कम करूंगा तो इंजन बेहतर होगा। इंजन वो बेहतर है जो इसमें कम से कम हीट का वेस्ट करे, उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगा, उसका वर्क डन ज़्यादा होगा, तो वो इंजन बेहतर होगा। अब 62 कम हुआ तो इफिशियंसी डबल हो गया, तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स मतलब T1 की कैलकुलेशन करनी है, तो चलो T1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे T2/T1 की वैल्यू आ जाएगी, T2/T1 5/6, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी, हमें इसको यहीं पर रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो दूसरे वाले कंडीशन के लिए लिखते हैं, इफिशियंसी डबल हो गई, ईटा डबल हो गया, मतलब 2/6 इज इक्वल टू 1-T2-62/T1। ये अब इसको सॉल्व करो और यहाँ से T2 की वैल्यू पुट अप कर दो, T1 आ जाएगा, तो ये T2-62/T1 इज इक्वल टू 1-1/3, दैट इज 2/3, तो ये 3T2-186 2T1। अब T1 चाहिए तो T2 निकाल के लेके आए यहाँ से, T2 5/6 T1, तो ये 3 5/6 T1-186 = 2T1। बेसिकली ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 5T1/2-2T1 = 186। इसका मतलब T1/2 = 186, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 36, ये केल्विन आ जाएगा, ठीक है, 18 × 36 और 37 × 12 372 केल्विन आ जाएगा। हमारा जो सलूशन है प्यारे बच्चों वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ, तो इसमें -270 कर दूं, इसमें -273 कर दूं, तो T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 99 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। दिस इज द फाइनल सलूशन, मतलब हम लोग का जो ए ऑफ सी ऑप्शन सही है वो सही है, ठीक है।